हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा और मैं आपके लिए लेके आई हूं अमेजन साड़ी हॉल वीडियो। यानी काफी अफोर्डेबल रेंज में अंडर 2000 रुपीस आपको मिल जाती है। स्टार्टिंग है इसमें 1000 रुपीस। एंड इसमें जो आपको मैं साड़ी दिखाने वाली हूं, लाइट से ओकेजन वगैरह पे पहन सकते हैं, फेस्टिवल पे पहन सकते हैं, पूजा में पहन सकते हैं, उस टाइप की। होली आ रही है, होली पे भी आप डेफिनेटली होली पूजन के लिए अगर आप जाते हैं तो इस तरह की बाई कर सकते हैं, पहन सकते हैं। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आराम से फुल डे आप कैरी कर सकते हो, बिकॉज काम भी बहुत सारा होता है तो उसके लिए सूटेबल रहेंगी। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। अगर रहती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये साड़ी। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, इसमें आपको कलर वेरिएशंस बहुत सारे मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक कलर की मंगाई है, बिकॉज पिंक कलर ऐसा कलर होता है जो कि आप फेस्टिवल में, पूजा में आराम से पहन सकते हो एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है। एंड इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट, और काफ़ी सुंदर सी है, लाइट वेटेड है, आराम से आप पहन सकते हैं। लाइक बहुत सारा काम होता है फेस्टिवल के टाइम पे, तो आप इनको आराम से पहन सकते हैं एंड काम भी कर सकते हैं। तो ये लहरिया पैटर्न में मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का ये डिटेलिंग मिल जाती है लेस की, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सी लग रही है। साड़ी का कलर बहुत प्यारा है, मजेंटा टाइप्स में है एंड पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप सिंगल हैंडेडली भी इसको पहन सकते हैं। देन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसका ब्लाउज़ पीस। एंड ये आप देख सकते हो ब्लाउज बहुत ज़्यादा हैवी वर्क के साथ है, पूरे में इसमें गोल्डन थ्रेड एंड सितारा का काम हो रहा है, बहुत अच्छा है। और इसका जो पीस का साइज़ है वो 80 सेंटीमीटर है, तो आराम से बन सकता है। ये साड़ी ब्लाउज़ के वजह से काफ़ी हैवी लुक देगी, तो इसको मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसमें कलर वेरिएशंस बहुत सारी हैं, तो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं सारे लिंक्स आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, डू चेकआउट। साड़ी की लेंथ भी ओके है और आप इसको किसी भी पूजा वगैरह में पहन सकते हैं एंड परफेक्ट रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो लेस लगी हुई है उस पर भी बहुत अच्छी फिनिशिंग है, गोल्डन थ्रेड का काम किया गया है, प्लस सितारा का डिटेलिंग दी गई है। एंड नीचे ऐसे ही आपको नीचे मिल जाती है, नीचे आपको ऑल ओवर बॉर्डर मिल जाता है, वो अपर साइड का दिखा रही थी मैं। ये अंडर 1000 रुपीज़ है, उस हिसाब से परफेक्ट साड़ी है, आराम से आप वेयर कर सकते हो। एंड इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। देन अब मैं आपके साथ एक और साड़ी शेयर करने जा रही हूँ। एंड ये है कांजीवरम सिल्क में, और इसको सॉफ्ट लीची सिल्क भी बोलते हैं, उस टाइप की है। बहुत सुंदर कलर टोन है, कलर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में मंगाई है, स्काई ब्लू कलर में। अगर आप चाहें तो और कलर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी है ये। पहले आपको मैं इसका पल्ला दिखा देती हूँ। तो ये ब्लाउज पीस है, पहले ब्लाउज पीस ही दिखा देती हूँ। तो कंट्रास्टिंग में ब्लाउज पीस दिया गया है, फुल ब्रॉकेट का इस पर काम हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा वर्क है। एंड इसका फैब्रिक, मतलब फैब्रिक का साइज भी ओके दिया गया है, 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगा। एंड यहाँ पे इस तरह की आपको लीफ वाली डिटेलिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंट्रास्टिंग में बॉर्डर मिल जाता है। कलर्स जितनी भी मैंने आपको साड़ी दिखाई है, सब में कलर वेरिएशंस अच्छे से दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एंड साड़ी की लेंथ भी अच्छी दी गई है, ये आराम से आप नाइट फंक्शन में भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी पहनने के बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका है पल्लू, एंड इस तरह की यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है पल्लू पोर्शन पे। देन नीचे आपको इस तरह की टेसल डिटेलिंग मिल जाती है कंट्रास्टिंग में रेड कलर से। क्वालिटी वाइज अच्छी लग रही है, फैब्रिक जो है इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, और अंदर से आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है विविंग करीबी है, तो ये चुभने वाली नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अंदर का फैब्रिक बहुत ज़्यादा चुभने वाला होता है, जो कि बहुत इरिटेट करता है एंड उसको हम आराम से नहीं पहन पाते हैं। तो ये कंफर्टेबल वियर है, कलर अच्छा लग रहा है, तो आप जा सकते हैं उसके लिए एंड परफेक्ट पीस लगाया। ये इसका जो प्राइस है 2000 के आसपास का, एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी पेयर अप करी है वो है ये। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है एंड अंडर 500 रुपीज़ में मिल जाता है। ये जावेरी पर्ल्स का है, पैक ऑफ 4 मिल जाता है। इसमें आपको ये चोकर सेट मिलता है, प्लस ईयरिंग मिलती है, प्लस इसमें यहाँ पे आपको रिंग मिलती है, प्लस ब्रेसलेट मिलता है, जो कि मैंने अभी नहीं वियर करा हुआ है। तो इसकी पेयरिंग मैंने इसके साथ करी है, और अगर आप इसको भी बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस एक सेट और है, ये है जावेरी पर्ल्स का। तो अगर कुछ हेवी में चाहते हो, कंट्रास्टिंग बेस पे चाहते हो, तो इस तरह का आप पहन सकते हैं। तो मैं अभी ये पहन के देखूंगी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा जाएगा, तो आपको ट्रायल में देखने के लिए मिल ही गया होगा कि मैंने कौन सा पहना है। और कमेंट करके बताइएगा कि इस पे जाता कौन सा, ये वाला जाता कि जो मैंने पहना हुआ है, या फिर वो वाला। तो इसमें आपको इस तरह का पूरा भरा हुआ चोकर सेट मिल जाता है, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। एंड इसमें यहाँ पर ग्रीन एंड पिंक की डिटेलिंग दी गई है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। और
ये भी अफोर्डेबल प्राइस में है। इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर इस तरह का भी आपको कुछ बाय करना है तो कर सकते हैं। इसमें आपको ईयर रिंग्स मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे आपको रिंग भी मिल जाती है, तो इसमें भी आपको पूरा सेट मिल जाता है। इस तरह से क्वालिटी वाइज अच्छा है, एंड इसको आप किसी भी अपनी साड़ी के साथ, लहंगे के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल पीस लगा, इसके लिए भी आप जा सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट साड़ी, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। ये इसका जो फैब्रिक है वो है टसर सिल्क, एंड ये बहुत अच्छा लगता है, समर्स में आप आराम से इसको वेयर कर सकते हो। एंड कलर इसमें भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर्स, बट मैंने यहाँ पे येलो मस्टर्ड येलो कलर में मंगाया है। येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन टोन है, जो कि आप हल्दी वगैरह के फंक्शन पे पहन सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो नॉर्मली भी पहन सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो भी आप इस तरह का बाय कर सकते हो, फेस्टिवल्स वगैरह पे पहन के जा सकते हो, और अगर आप टीचिंग का जॉब करते हो तो डेफिनेटली इस तरह का बाय कर सकते हैं। बहुत सुंदर साड़ी है, लाइट वेट है, फुल डे कैरी कर सकते हैं आराम से। तो मैं इसका आपको पल्लू साइड दिखा देती हूँ। पहले कलर बहुत प्यारा है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका पल्लू पोर्शन। पल्लू पे आपको इस तरह का कंट्रास्टिंग में रेड कलर से मिल जाता है। यहाँ पे टेसल डिटेलिंग भी दी गई है, एंड लुक वाइज ऑसम लग रही है। बनने में भी काफ़ी लाइट वेट, मतलब अच्छा, आराम से आप बांध सकते हैं इसको। ऊपर की साइड में आपको इस तरह का ये थोड़ा सा बॉर्डर मिल जाता है। तो ये वेडिंग के बाद के लिए भी आप बाई कर सकते हो, लाइक अगर आपकी शादी होने वाली है और आपको कुछ लाइट सा चाहिए पहनने के लिए तो इस तरह का पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आराम से पहन सकते हो। एंड ये है इसका ब्लाउज पीस। तो ब्लाउज पीस के आप साइज़ देख सकते हो, अच्छा खासा दिया गया है, आराम से बन सकते हैं। कंट्रास्टिंग में दिया गया है, हल्का सा पटेटोइश रेड कलर में है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है, तो इसके आप चाहो तो यहाँ तक की स्लीव्स बनवा सकते हो, अदरवाइज आप शॉर्ट भी बनवा सकते हो, परफेक्ट लगेगा, एंड लुक वाइज अमेजिंग है। तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। ये 1500 के आसपास की है, एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, बट उस हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है, क्वालिटी वाइज अच्छा है फैब्रिक, एंड डेफिनेटली आप जा सकते हैं इसके लिए। तो इसके साथ चाहे तो आप गोल्डन ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं, अगेन मैं कहूँगी जो मैंने वेयर करा हुआ है वो भी जा सकता है, और अगर इसके साथ और भी वेयरिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, प्लस अगर आप इसके साथ कुछ लंबा डालना चाहते हैं वो भी जाएगा बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पीस है ये, और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, डेनिम का है, एंड इसके साथ मैंने ये वेयर करा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा चोकर सेट है, तो ये बहुत ही अच्छे से नेक के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें स्टोन की डिटेलिंग दी गई है, बीच में यहाँ पे पीकॉक डिटेलिंग दी गई है, यहाँ पे नीचे लटकन वाला पैटर्न है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये आई थिंक इसका एक्चुअल प्राइस मैं भूल चुकी हूँ क्या है, बट फिर भी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगी, एंड आपको पता चल जाएगा कैसा है। देन इसके साथ बहुत ही क्यूट से इयररिंग्स मिल जाते हैं, इनके ऊपर भी आपको पिकॉक की डिटेलिंग मिल जाती है, लटकन पैटर्न में है, तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इसको आप आराम से किसी भी लहंगे के साथ, वेडिंग में साड़ी के साथ पहन सकते हैं, परफेक्ट लगेगा। एंड ये गोल्ड पॉलिश में, ऐसा नहीं कि इसकी पॉलिश खराब हो चुकी है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले बाय किया था इसको एज इट, एंड इसकी फिनिशिंग एज इट इज़ इंटैक्ट है, तो ये भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल सा लगा। तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं, किसी भी अपनी साड़ी के साथ पेयर कर सकते हैं। तो इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स ये जो मैंने वेयर करी हुई है ये अमेजन से नहीं है साड़ी, एंड ये जो ब्लाउज है ये अमेजन से ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, एंड ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज है 3/4 स्लीव के साथ, एंड ये बहुत अच्छे से बॉडी टकिंग वाला ब्लाउज है, तो आप आराम से इसको वेयर कर सकते हैं, अपनी किसी भी साड़ी के साथ मिस एंड मैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये इसके साथ किया हुआ है, इसका नहीं है ये, अलग से है, एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप भी इस तरह से मिस एंड मैच कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी ज्वेलरी आपको अच्छी लगी या फिर साड़ी अच्छी लगी, मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताएगा। एंड आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।